एक यूट्यूबर है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, चेक कर लेना। तो उसका मीम कॉइन में कैसे पैसे कमाने का स्ट्रेटजी है, और मुझे लगता है ये जो मीम कॉइन में पंप आता है बेसिकली अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए है अपने चेन का। क्योंकि सलोना में, सलोना एक ऐसा नेटवर्क है जो 10-12 बार बंद हो गया एक एक दो दो दिन के लिए, और फिर भी उसका मार्केट रेट, मतलब सलोना का प्राइस अभी भी है, जबकि इट्स नॉट वेरी फंक्शनल। तो सलोना पे ज़्यादा मीम कॉइन लॉन्च किए फॉर अट्रैक्शन और प्राइस कितना पंप हुआ। तो मीम कॉइन चेन का एक स्ट्रेटजी है अपने लेयर पे या अपने ब्लॉकचेन पे ध्यान आकर्षित करने का। और ये बाइनेंस में भी था, क्योंकि बाइनेंस में 2021 इतना ज़्यादा एक्शन था। तो लाइक तभी मैं बाइनेंस चेन पे गया इथेरियम लेके, तो एक्शन मैंने इतना देखा। तो मून कॉइन आया था उधर, और मून कॉइन एकदम कुछ भिखारी लोग करोड़पति बन गए, डायरेक्ट 100-200 डॉलर डाल के मिलियंस ऑफ डॉलर निकाले। तो उधर बहुत सारे मीम कॉइन आए और एक हाइप क्रिएट हुआ, और बाइनेंस चेन पे बहुत ज़्यादा एक्शन होने लग गया। तो बेसिकली पैसा फेंकते हैं ये लोग। और तभी मैंने देखा कि बाइनेंस चेन पे मीम कॉइन लॉन्च करने के लिए सॉफ्टवेयर ही बना हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके बाइनेंस चेन पे मीम कॉइन लॉन्च, लिक्विडिटी भी डाल के देगा पैनकेक स्वैप में और जिधर जिधर। तो लिटरली मीम कॉइन बनाना आधे घंटे का काम था, 15 मिनट का काम था, 10-15 मिनट का, और मिलियंस और बिलियंस डॉलर का खेल था। तो मीम कॉइन का एक्चुअल में कोई वर्थ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, सिर्फ हाइप क्रिएट होता है लेकिन भाव बढ़ता है उसमें, दैट इज ऑल्सो ए थिंग। तो अभी इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि जो नया लेयर्स है उस पर ध्यान देने का। वो डोज कॉइन में कंटिन्यूस बाइंग करता है, डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट हैज़ नो लॉजिक, क्योंकि उसका 20% इन्फ्लेशन है और 200 बिलियन का कितना तो बिलियन उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और हर साल 20% इन्फ्लेशन भी है, लेकिन प्राइस बढ़ा है उसका, 50 सेंट तक गया था उसका। तो लाइक सरप्राइजिंग है। एक मेरा फ्रेंड मेरे को पूछा था कि डोज कॉइन कैसा है, मैं बोला फालतू है। तभी वो 10,000 रुपया डालने वाला था, तो 10,000 का अभी उसका जब भी टॉप पे गया था तभी आसानी से 5-10 लाख होता था, क्योंकि डोज कॉइन का तभी रेट नहीं था। और बाद में इलॉन मस्क ने उसका तारीफ करके जो पंपिंग किया डोज कॉइन का, उसके वजह से, इलॉन मस्क के वजह से डोज कॉइन वाले पैसे वाले हो गए, क्योंकि इलॉन मस्क ने उसका पंपिंग किया। तो इसका स्ट्रेटजी क्या है, नए मीम कॉइन ढूंढना नए नेटवर्क पे। तो उसने अभी एक फॉक्सी कॉइन, उसका वीडियो का लिंक नीचे देता हूँ, देख लेना। तो वो कॉइन में पंप आएगा ऐसा बोला, तो वो लिस्ट हो चुका है, 25% पंप आया उसको। तो लीनिया और ब्लास्ट पे भी मीम कॉइन आएगा। लीनिया का 750 मिलियन डॉलर का फंड रेजिंग हुआ है, और वो जब लॉन्च होगा तभी 2-3 बिलियन डॉलर का रहेगा ऐसा कहना है लोगों का,
विच इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि उसका फंडिंग बढ़ा है और ब्लास्ट का भी कुछ ऐसा ही है, तो मीम कॉइन लॉन्च होगा उधर और अट्रैक्शन गेन के लिए उधर मीम कॉइन में हाइप आएगा और वैसा करके पंपिंग होगा। तो मीम कॉइन मेरे को भी, एक्चुअली मीम कॉइन का कैसा है, थोड़ा अलग है, कुत्ते का फ़ोटो, बिल्ली का, ड्रैगन का, ऐसा फ़ोटो यूज़ करना पड़ेगा और उसको बेसिकली मीम बनाने वाले लोग लगेंगे, मतलब फनी मीम्स, जैसा चिकन और एग्स का NFT था वैसा रोज मीम्स बनाने पड़ेंगे। इसका मार्केटिंग अलग है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो भी कंटिन्यूस मीम कम्युनिटी स्प्रेड करती है और उससे कॉइन में पंपिंग आती है। तो फॉक्सी उसने बोला लीनिया पे लॉइन लॉन्च होगा, फॉक्सी या कोई ड्रैगन, ड्रैगन का कौन सा तो है, वो वीडियो देख लेना। और लीनिया पे और ब्लास्ट पे दो मीम कॉइन बताया उसने कि ये लॉन्च होंगी, तो पहले ही जाके ख़रीद लो क्योंकि पंप आएगा उसमें। तो अपन ने मून कॉइन में जो पंप देखा था वो बेसिकली बाइनेंस के सपोर्ट से, जिसका वो चेन है वो लोग ही उसको पंप करते हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि बिना मतलब का जो कॉइन का कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो कॉइन एकदम एक्सट्रीम हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। और एक मीम कॉइन का एक सीज़न चालू हो जाता है, आर पर रेट बढ़ जाते हैं, पर कोई तो पैसे डाल रहा है, बाद में गरीब लोग का ध्यान गया, कुत्ते बिल्ली का कॉइन में गरीब लोग का ध्यान नहीं जाता है। गरीब लोग का ध्यान कब जाता है, जब वो कॉइन में बहुत पंप आने के बाद। तो पंप किसने किया वो भी तो है, तो मुझे लगता है चेन वाले ही पंप करते हैं, पर वो कोई भी पंप करे, स्ट्रैटेजी है कि इसमें पैसा 10 times, 50 times किया जा सकता है। और पहले ऐसा हुआ है कि पंप हुए, तो नया जो चेन आएगा उसमें जो मीम कॉइन लॉन्च होगा उसमें 100x के चांसेस है। तो मीम कॉइन, चलो अगर मैं बनाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार रन कर दिया, लेकिन चलो चैट GPT, मैंने Gemini का एडवांस वापस इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतना कुछ खास, कुछ कुछ चीज़ अच्छा देता है वो, तो ये जो क्रिएटर है, क्या बोलते हैं, कंटेंट बिंटेंट लिखने का है, वो तो बना देगा, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देना पड़ता है, वो बनाने का मीम का आइडिया लगता है। तो कमेंट करो कि अगर मतलब कैसा है, मीनिंगलेस पेज तो रहता है पर वो लिखना तो पड़ेगा, और इमेजेस ऐसा थोड़ा टैंगी बना के उसको किया जा सकता है, बट ऑफकोर्स कम्युनिटी सपोर्ट पे भी आता है। तो मैं लीनिया पे ही होस्टिंग करने का सोच रहा हूँ, और लीनिया पे होस्टिंग करने के लिए मैंने लीनिया में डोमेन नेम भी बुक किया है। होस्टिंग वो फाइल कॉइन से होगा IPFS थ्रू, लेकिन लीनिया पे उसका सर्विस है। तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लीनिया नेटवर्क पे मैं काम का आदमी बनूँगा, अभी एयरड्रॉप उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ जो ट्रांजैक्शन करके घाई घाई में चले जाते हैं, एयरड्रॉप उनको मिलेगा जो नेटवर्क पे है, नेटवर्क को मानते हैं, नेटवर्क पे सर्विसेज लॉन्च करते हैं,
लिक्विडिटी प्रोवाइड करते और रुकते, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी डाला निकाला ताकि ट्रांजैक्शन बढ़े, उसमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। ऐसा घाई घाई करेगा तो चांस है कि अरे तू चीटिंग करने जा रहा था, तो एयर ड्रॉप ही नहीं देंगे। कम से कम 4 दिन तो रुकने का, मैं वैसा किया है 3-4 दिन, 5 दिन लिक्विडिटी प्रोवाइड करके फिर चेंज किया, फिर इधर लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड इट, ये लोग जो एनालिसिस रन करेंगे उनको समझेगा, अरे 4 दिन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया फिर निकाला, फिर दूसरे इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, तो वो दिखता है एक्चुअली। पर मैंने डोमेन नेम भी बुक किया ऐसा दिखाने के लिए कि लिनिया 1 साल रहेगा मेरा डोमेन नेम, दैट मीन्स मैं 1 साल इधर रहूँगा लिनिया पे। तो वैसा एक स्ट्रैटेजी है कि उधर ट्रांजैक्शन करेगा तो एयरड्रॉप का भी चांसेस है, और मीम कॉइन बनाया तो हिट भी हो सकता है। सिर्फ उसके लिए मीम क्रिएटर और ये सब लगेगा, थोड़ा टीम वर्क लगता है उसको, ऐसा सिंगलली नहीं होता है। तो कमेंट करो तुम्हारा क्या स्किल है कंटेंट लिखने का। कंटेंट GPT लिख के देगा, पर इनिशियल थोड़ा ओवरव्यू तो देना पड़ेगा, थीम बनाना पड़ेगा, वैसा वो काम है।